आता वारंवार आपण जीवनावर डिस्कशन का करतो, दॅट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन. वाय आर वी डिस्कसिंग टू मच टाईम ऑन द लाईफ? कारण इथं सर्वजणं जीवन जगण्याकरता आलेले आहे. एव्हरीबडी केम ऑन दिस अर्थ टू लिव्ह द लाईफ, असं कोणी आहे का? आता दोन भाग आहे, एक भाग आहे जीवन जगणे, एक भाग आहे जिंदगी जिना, और एक क्या है जिंदगी काटना. तो आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी जीने के लिए आए या जिंदगी काटने के लिए आए? पर जीना और काटने में फ़र्क क्या है? जीना है ना कैसे, हर दिन का एंजॉय लेना, हर दिन को मस्ती, हर दिन मस्ती में रहना. अभी तुम बोलेंगे सर एंजॉय लेने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हमारे हमको किसी का सहारा नहीं है, हम मजबूरी में हैं. वैसा नहीं है, तुम तुम्हारे काम को एंजॉय नहीं कर सकते क्या? जैसे तुम क्रिकेट को एंजॉय करते हो, जैसे तुम फुटबॉल को एंजॉय करते हो, जैसे तुम कबड्डी को एंजॉय करते हो, जैसे तुम खो खो को एंजॉय करते हो. देखो ऐसा कोई है आप में से जिसको कब एंजॉय आता है आपको? व्हेन डू यू फील हैप्पी? जैसे जब भी मैं भाषण देता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है. इट इज़ माय एंजॉयमेंट, इट इज़ नॉट टीचिंग, इट इज़ नॉट अ परिश्रम, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट. जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई डोंट टेक एनी टेंशन, आई एन्जॉय इट. मैं पढ़ाई करके आता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई को भी एन्जॉय करता हूँ. विदाउट स्टडी नो वन कैन स्पीक ऑन द स्टेज, स्टडी इज नीडेड देयर, बट आई एन्जॉय द स्टडी. ठीक है, और कैसा है मन में क्या है? जिस वक्त आपको जो भी काम मिलता है ना उसको एन्जॉय करो, उसमें तल्लीन हो जाओ. जैसे तुमको अगर घूमने का काम मिला, फिरने का, वो घूमने को एन्जॉय करो. बहुत से लोग इतने पागल है, वो घूमने जाते हैं एन्जॉय के लिए, और वहाँ टेंशन लेते हैं यार माझा काम पूर्ण व्हायचं आहे, माझं घरी कोण आहे समजणार, घर कोण पाहिन, माझ्या आजीचं कसं होईन, माझ्या नोकरीचं कसं होईन, हेडमास्तर माझा चिल्लावा का नाही. म्हणजे दे आर दे वेंट फॉर एन्जॉयमेंट फॉर रोमिंग अँड दे आर टेकिंग टेन्शन ऑफ देअर होम. होते असे लोक आहे का? याने वय जी समय जो काम तुमको मिला उसको ईमानदारी से करो, उसको बोलते एन्जॉयमेंट. अगर आपको मेरे सामने पढ़ने का काम मिला है तो ईमानदारी से पढ़ो, पूरी ताकत किस में लगा दो? पढ़ने में. बराबर है, मुझे अगर इस समय में पढ़ाने का काम मिला है तो मैंने पूरी ताकत का लगनी चाहिए पढ़ाने में. ठीक है, जो भी मेरी एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी परफेक्ट हो सकती है, इम्परफेक्ट हो सकती है, जो भी मेरी ताकत है, छोटी होंगी, बड़ी होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि मैंने मेरी पूरी ताकत पढ़ाने में लगाने को होना, जो भी है मेरी ताकत. बराबर है, आपने एग्जाम्पल सुना होगा, ताकत लगाना किसको बोलते हैं? आपने एक कथा सुनी होंगी, यू माइट हैव लिसन वन स्टोरी. एक बहुत बड़ी आग लगी थी मालूम है, बहुत बड़ा महल जल रहा था, बड़े बड़े दिग्गज लोग आग बुझाने में लगे हुए थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग. उस दिग्गज लोगों में एक छोटी सी चिमनी, चिमनी को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? चिड़िया, चिड़िया थी, चिड़िया. वो चिड़िया भी नहीं क्या अपने पंखों से नहीं क्या वो आग को बुझा रही थी. कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, वो बोल रहे थे इतनी बड़ी आग लगे, इतना बड़ा महल जल रहा है, हम बड़े बड़े दिग्गज लोग आग बुझाने में लगे फिर भी आग बुझ नहीं पा रही है, और तू इतनी सी चिड़िया है, छोटे से पंख है, छोटे से पंख से तू इतनी सी आग नहीं बुझा सकती, तू काहे को फालतू परिश्रम कर रही है, तेरा प्रयत्न कोई काम का नहीं है. वैसा नहीं बोले, जब आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो आग लगाने में नहीं, आग बुझाने में मैं भी शामिल थी ऐसा इतिहास लिखा जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही. बोले बराबर है, तो कैसा रहता कि तुम्हारी ताकत कितनी है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम कितने दिल से वो काम कर रहे हो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तुम कितने फीलिंग से, कितने इमोशन से, जितने तुम शिद्दत से वो काम करोगे, रिजल्ट कुछ भी निकलो लेकिन तुम्हारा एक ही काम है कि तुम दिल से उस काम को करो. समझा आप? तो आप मेरे क्लास को भी आए हो, बहुत से लोग मन में मुझे बुरा कब लगता है, बहुत से लोग क्लास में आते हैं और पहले दिन मुझे रिजल्ट पूछते हैं कि सर एक महीने में, 20 दिन में, 10 दिन में मैं पढ़ पाऊँगा क्या, मेरे से हो पाएंगा क्या, मैं कर पाऊँगा क्या. यानी वो पहले दिन अपना रिजल्ट निकाल लेता है. अरे बेटा तू पहले पढ़ तो तू रुक तो तू महीना भर रुक, 2 महीने रुक, 4 महीने रुक, 5 महीने रुक, तू तेरी ताकत लगा. मानता हूँ ना सर मुझे आता नहीं सर, कुछ भी नहीं आता सर. अरे तू क्लास ला तो ये
बरोबर है, मुझे आता नहीं ऐसा, तूने तय क्यों कि कैसे किया? तू क्या तज्ञ टीचर के सामने बैठा है क्या अभी तक? तू पहले 2-4-5 महीने तज्ञ टीचर के सामने बैठ और बाद में तू उससे ईमानदारी से पढ़, तेरी जो भी ताकत है छोटी मोटी पूरी लगा ले, फिर आता क्या नहीं बाद में तय करेंगे। तू पहले अगर तेरा रिजल्ट निकाल रहा है तो तू जीरो रहेंगे जिंदगी में। इसीलिए क्या करना है आपको, जो भी आपको काम मिला उसको पूरे मन से, दिल से और ताकत से करना है। और हर छोटा काम जीवन में बड़ा काम होता है, बनता है बड़ा। कोई भी छोटा काम लो जीवन में, वो काम बहुत बड़ा बनता है अगर उस काम को तुम ईमानदारी से करते हो तो। छोटे दुकान बड़े दुकान बनते हैं अगर उसमें दुकानदारी ईमानदारी से किया तो। छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें बनती है, छोटा आंदोलन बड़ा आंदोलन बनता है, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है, छोटा आदमी बड़ा आदमी बनता है अगर वो शिद्दत से और ईमानदारी से उस काम को कर रहा है तो। समझ में आ रहा? तो अभी अपने आज के क्लास का जो मेन पॉइंट है कि दिवाली का ये शुरुआत है और हमारा त्यौहार प्रिय देश है, बराबर है। अभी तुम्हारे पास 10 या 15 दिन का खाली समय रहेगा, 20 या 25 दिन का खाली समय रहेगा। तो खाली समय नहीं होता, खाली समय हमेशा आगे के लड़ाई की तैयारी का समय होता है। खाली समय होता है क्या? जो खाली समय को खाली समय समझता है, वो टाइम पास करता है, वो आने वाले समय में ज़्यादा हासिल नहीं करता है। जो खाली समय को आने वाले लड़ाई के तैयारी का समय समझता है। अगर तुम खाली समय में परिश्रम करोगे, मेहनत लोगे अपने ऑब्जेक्ट पे, जब लड़ाई शुरू होगी तो तुम्हारा खून का जो कतरा है कम बहेगा। जो साल भर कंटिन्यूसली पढ़ाई करता है, त्योहारों में पढ़ाई करता है, दीपावली में पढ़ाई करता है, दशहरे में पढ़ाई करता है, गणपति उत्सव में पढ़ाई करता है, दुर्गा उत्सव में पढ़ाई करता है, उत्सव को छोड़ के पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, वो साल भर करता है, वो आखिरी मेरिट आता है। जो समय पे मेहनत करता है मेरिट नहीं आता है। तान लागल्यावर वीर खोदणारा माणूस कधीच त्याची तहान बुजू शकत नाही। लढाई पहिलेपासून सुरू ठेवा लागते आणि एका माणसाला स्वतःला डेव्हलप करायसाठी वर्ष वर्ष वेळ द्यावा लागते, 2-2 वर्ष वेळ द्यावा लागते, तेवढा पेशन्स ठेवा लागते। कीप द पेशन्स। समझा आपको।